शफकनास के आरोपों पर बहन शफकनास ने तोड़ी अपनी चुप्पी। फलक के दावों को बतलाया झूठा। शफकनास ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया फलक के स्टेटमेंट का। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्ट। फलकनास और शफकनास ये दो बहनें ऐसी हैं जो हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में बनी रहती है, चाहे वो इनके भाई शिजान खान की जेल की अवधि को लेकर हो या फिर इन दोनों के आसपास के बीच की खटपट को लेकर। हाल ही में फलकनास ने बिग बॉस OTT2 के रियलिटी शो में भाग लिया और अब वो वहाँ से एलिमिनेट भी हो गई है। अपने एलिमिनेशन के बाद अपनी दिए एक इंटरव्यू में फलकनास ने कहा था कि जब से मैं शो से एलिमिनेट हुई हूँ मुझे शफकनास आई नहीं है मिलने के लिए। साथ ही उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा मुझे मैसेज भेजा है जिसके बारे में मैंने उनसे बात की है कि अगर तुम मुझसे फेस टू फेस मिलकर इस बारे में चर्चा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरी बहन को मिस करती हूँ, साथ ही साथ उनके साथ उनका इस तरह का कड़वा रिश्ता क्यों है इस बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया था। खैर, हम आज बात करने वाले हैं शफकनास को लेकर। शफकनास ने अब फलक की इन सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और काफ़ी सारे खुलासे उन्होंने भी किए हैं। हाल ही में अपने दिए इंटरव्यू में जब शफकनास से पूछा गया कि फलकनास ने ऐसा कहा कि आप एलिमिनेशन के बाद उनसे मिलने नहीं आए, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी, शफकनास ने कहा कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि मैं मेरी बहन फलकनास से बिल्कुल नहीं मिली हूँ। जिस दिन वो शो से एलिमिनेट हुई उसी रात को मैं उनसे मिलने गई थी, मैंने उनसे मुलाकात की, हालांकि वो भी बिजी थी, मैं भी बिजी थी, हम दोनों के पास ही ज़्यादा वक्त नहीं था, तो हमने एक क्विक चैट किया, काफ़ी सारी चीज़ें हम बात नहीं कर पाए, एक दूसरे को अलविदा कहा और मैं वहाँ से चली गई। हमेशा हमारी पास्ट लाइफ को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ पर मीडिया में उछाला गया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बारे में कोई भी नेगेटिव रूमर्स ना फैलाया जाए और सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाए। हमारी बातों को हमेशा तोड़ मरोड़ कर नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और जल्द ही मैं फलक से मिलकर बात करूंगी। शफकनास ने इस तरह का पूरा खुलासा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रहने देना चाहती है। शफकनास का जिस तरह से खुलासा हुआ है फलकनास के स्टेटमेंट पर, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? शफकनास और फलकनास दोनों में से कौन सी एक्ट्रेस आपको ज़्यादा पसंद है? हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।